हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सुनाऊंगी मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया है, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गाली देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह भारी भरकम दिल लिए हुए स्त्री के समीप गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें ततेरते हुए बोली, कर चुके तुम दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे, कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने को ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मरमर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी गई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपए न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौंहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसे जलाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिया, फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की ये खेती, मजूरी में सुख से दो रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौस तो ना रहेगी, अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी को झोंक दो, उस पर धौस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला गया मानो उसका हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वह आज निकल जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश में तारे ठिठुरते हुए मालूम हो रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे उक के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा हुआ था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कुकू कर रहा था। दोनों में से किसी को नींद नहीं आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है, कहा था घर में पुआल पर लेटा रहे, यहाँ मत आ, अब ठंड खाओ, मैं क्या करूं, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम पर। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू कू की दीर्घता बनाता हुआ एक बार जम्भाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वास बुद्धि से शायद तार लिया, स्वामी को मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे, यह पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है, उठू एक बार चीलम भरू, किसी तरह रात तो कटे, 8 चीलम तो पी चुका हूँ, यह खेती का मजा है, और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे, मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कंबल मजाल है, जाड़े का गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी, मजूरी हम करे, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में जरा सी आँख निकाल कर चीलम भरी, जबरा भी उठा। हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम, जाड़ा तो क्या जाता,
जरा मन बदल जाता। हल्कू ने उसके मुंह की तरफ प्रेम से झलकती हुई आंखों को देखा। हल्कू आज और जाड़ा खा ले, कल से यहां पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजों और घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा, चाहे अब कुछ भी हो जाए सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसके छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाया और अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला हो। जबरा शायद यह समझ गया था स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी। वह अपने अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता, वह अपनी दीनता से आहत ना था। जिसने आज उसे यह दशा पहुंचा दिया, नहीं इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उसका एक एक अश्रु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने एक नई फूर्ति पैदा कर दी थी। वह हवा के झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा, छपरी से बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास ना आया। हार पर चारों ओर दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा, एक क्षण के लिए भी ना जाता। तो वह तुरंत फिर दौड़ता, कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। एक घंटा गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसने छुपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाए तब कभी सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आम का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर ताप लूं। रात में कोई मुझे पत्तियां बटोरते यह समझेगा कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो ऐसे बैठा नहीं रहा जा रहा। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनसे एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला गया। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आ गया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, ठाटे हो जाएंगे तो फिर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कुकू कर सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था। अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जा रहा था। वृक्षों से ओस की बूंदें नीचे टपक कर गिर रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल गई, वह उसे चिंचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी, पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में ही पत्तियों का ढेर लग गया।
हाथ थिचुड़ते जाते, नंगे पांव गले जाते और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा, उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों में संभालते हुए हो। अंधकार के इस अनंत सागर में यह प्रकाश नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठकर आग तापने लगा। एक क्षण में उसे दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे को अगर ठंड नहीं लग रही, तेरे जो जी में आए वो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही ना? जबरू ने कुकू करके कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा, न ही इतनी ठंड खाते, जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव में कूद कर पार करें। अगर जल गया है बच्चा तो दवा ना करूंगा। जब्बर उस अग्नि राशि को कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कह ना देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के इर्द गिर्द उसके पास आकर खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं है, ऊपर से कूदो। फिर वह कूदा और अलाव के पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी तो हवा का झोंका आ जाने पर जरा आग जल उठती थी, फिर एक क्षण आग बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गरम राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस दबाए लेता था। जबरा और जोर से भौंक कर खेत की ओर चला गया। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है, शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भरम हो गया। अब तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, मुझे कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवर के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ता था। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, लियो लियो लियो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत में चल रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और दो तीन कदम चला पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने लगा, बिच्छू का डंक का सा झोंका लगा कि अब बुझते अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गर्माने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था, नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्ती की भांति उसके चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गरम जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, चारों तरफ धूप फैल गई थी
और मुन्नी कह रही थी, क्या सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आई है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सर्वनाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए, देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ था और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेता है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को यहाँ ठंड में सोना तो ना पड़ेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।